So now, if we write the reaction of this nuclear fission, we will say this uranium 235 92. Now 235 92 is what? It is basically an isotope of uranium. What are isotopes? Isotope ka matlab aise elements jinka number, atomic number same hota hai, atomic mass alag alag hota hai. Jaise ki uranium 235 92 ka matlab kya? Uranium element ka atomic number is 92 and atomic mass is 235. Isi tarah se uranium 236 92 bhi hota hai, 237 92, 238 92, aise alag alag tarah ke exist karte hain is universe mein. But hamare kaam ka kaun sa hai? Hamare kaam ka hai sirf uranium 235 92. Now when this uranium 235 92 is bombarded with a neutron, ek neutron se agar main ise bombard karunga, so this process will create nuclear fission. इसके न्यूक्लियर फिजन होने की वजह से हमें यहां पे एक A1 एलिमेंट मिलेगा, एक A2 एलिमेंट मिलेगा, प्लस तीन न्यूट्रॉन्स मिलते हैं हमने अभी कहा था, और एक प्लस साइन फॉर एनर्जी, साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है. सो यह रिएक्शन कुछ इस तरह से कैरी फॉरवर्ड होती है. फिर क्या किया गया? फिर अलग अलग जगह से यूरेनियम जो लाया, सभी में न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराया और उसे चेक करा, और चेक करके ये देखा कि कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे हमें मिल सकते हैं. तो ये पाया गया कि हर बार अलग तरह के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, बिकॉज A1 का हमने कहा था वेट कहाँ से कहाँ था, 130 से 149 के बीच में कोई सा भी हो सकता है, और A2 का वेट 85 से 109 के बीच में कुछ भी हो सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन इन दोनों का वेट चेंज होगा या दोनों एलिमेंट्स बदलते जाएंगे. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जब इस रिएक्शन को करा, सो वी ऑब्जर्व कि A1 बेरियम निकल के आता है और A2 क्रिप्टॉन निकल के आता है. मैक्सिमम टाइम हमने जब इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को किया, तो न्यूक्लियर रिएक्शन को करने के बाद वी हैव सीन कि यूरेनियम को बॉम्बार्ड कराने पे A1 और A2 की जगह क्या आता है, बेरियम और क्रिप्टॉन. जो A1 A2 हमने एलिमेंट्स देखे, मैक्सिमम टाइम्स बेरियम और क्रिप्टॉन ही निकल के आते हैं. ओके, तो यह न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ इस तरह से, इस प्रोसेस से होती है. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट फ्रॉम दिस रिएक्शन, दैट आपने रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या लिए. हम कहेंगे रिएक्टेंट्स आर यूरेनियम 235 एंड न्यूट्रॉन. इसका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन पे हमें क्या मिला, एक बेरियम मिला, एक क्रिप्टॉन मिला, प्लस न्यूट्रॉन मिला और एनर्जी. लेकिन जो ये न्यूट्रॉन मिला, दिस थ्री न्यूट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड, जस्ट ऑब्जर्व दिस, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन. और प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट में तीन न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स आपको प्रोडक्ट में भी दिखाई दे रहे हैं, प्लस न्यूट्रॉन्स आपको रिएक्टेंट्स में भी दिखाई दे रहे हैं. सो दिस इज द स्पेशलिटी, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, ऑफ दिस न्यूक्लियर फिजन, कि आपने जो रिएक्टेंट दिया वही आपको प्रोडक्ट में भी मिल रहा है. तो इसको हम किस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे वन न्यूट्रॉन इज एब्सॉर्ब्ड एंड थ्री न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड और जनरेटेड. आपने देखा कि एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होने पे क्या हो रहा है, तीन न्यूट्रॉन निकल रहे. अगेन जब आपने इसको हिट कराया, तो दिस न्यूट्रॉन वॉज अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. अब ये स्लो मूविंग क्यों है, दिस इज नॉट अवर कंसर्न. आपसे वैसा मान लें कि न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह से होता है, और इसमें न्यूट्रॉन जो होता है ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, बिकॉज इट इज अ न्यूक्लियर साइंस. ये न्यूक्लियर साइंस बहुत बड़ी है, इसमें बहुत डीप रिसर्च चल रही है. तो इनकेस अगर आप चाहते हैं कि ये स्लो मूविंग क्यों है, ये पता लगाने के लिए यू जस्ट गो फॉर द साइंस स्ट्रीम. उसके बाद आप डिफरेंट कोर्सेज करके फाइनली आप जब बार्क जैसी किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर ही रिसर्च चलती है, सारी चीज़ें न्यूक्लियस के बारे में ही होती है, तो ऐसी जगह पे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि वाई दिस इज अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन.
okay, so this is not our topic of concern. So we have said कि एक slow moving neutron है, वह इसको hit करता है और साथ में जो ये elements बनते हैं और ये जो neutron बनते हैं, this neutrons are also slow moving neutrons. इन neutrons की भी velocity कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, यह भी slow moving होते हैं. और practically ऐसा पाया गया कि जितनी speed से यह neutron hit करता है, almost उतनी ही speed से ये तीन neutrons रिलीज होते हैं. ओके, सो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि अगर मैं एक यूरेनियम की बात करूं तो क्या यूरेनियम का सिंगल एटम मैं हाथ में लेके घूम सकता हूं? हम कहेंगे नहीं. यूरेनियम अगर आपने थोड़ा सा भी लिया, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम यूरेनियम भी आपने लिया, सो 1 ग्राम यूरेनियम कंटेन्स मिलियंस ऑफ यूरेनियम एटम्स. 1 ग्राम यूरेनियम में मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट है. अगर आपने 0.5 ग्राम भी लिया, 0.1 ग्राम भी लिया, तो प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिकली आप 0.1 ग्राम या 0.001 ग्राम उससे कम तो नहीं ले सकते, वो मिनिमम वैल्यू है. तो उस वैल्यू में भी थाउजेंड्स ऑफ यूरेनियम एटम्स विल एग्जिस्ट. तो जो ये रिएक्शन हमने देखा, हमने क्या करा, हमने सिर्फ एक सिंगल न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराया और उस सिंगल न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से न्यूक्लियर फिजन होके तीन नए न्यूट्रॉन्स बने. अब ये तीन न्यूट्रॉन्स जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी चीज कि ये जाएंगे कहाँ? क्या ऐसे हवा में रिलीज हो जाएंगे? हम कहेंगे नो, ये हवा में रिलीज नहीं होंगे. यह बेसिकली दूसरे यूरेनियम एटम्स को हिट करेंगे. सो दिस विल हिट अदर यूरेनियम एटम्स, दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियाई दूसरे यूरेनियम एटम्स को हिट करेंगे. क्या ये हिट कर सकते हैं? हम कहेंगे हाँ, बिकॉज जितनी एनर्जी इसके पास थी उतनी ही एनर्जी इनके पास भी है, तो ये आसानी से हिट कर सकते हैं. तो एक न्यूट्रॉन, एक आपने एक न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कराया और तीन नए जनरेट हुए. तो अब तीन न्यूट्रॉन है तो क्या होगा? यह तीन न्यूट्रॉन आगे जाके तीन नए यूरेनियम एटम को हिट करेंगे. तीन नए यूरेनियम एटम को हिट करे तो वापस से यह रिएक्शन तीन बार होगी. और अगर ये रिएक्शन तीन बार होगी तो पहली रिएक्शन में तीन न्यूट्रॉन बने, दूसरी में तीन बने, फिर तीसरी में फिर तीन बने. तो ऐसे करके तीन न्यूट्रॉन के हिट करने से नए नौ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए, 9 न्यूट्रॉन्स वर प्रोड्यूस्ड. और जब ये 9 न्यूट्रॉन्स वापस से अलग अलग जाके हिट करेंगे तो उन 9 से वापस 27 हो जाएंगे और यह रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहेगी. तो इस तरह की रिएक्शन जिसको हमने सिर्फ एक बार चिंगारी देके छोड़ दिया, जैसा कि आप क्रैकर्स के साथ करते हैं. क्रैकर्स में क्या, हल्का सा आपने चिंगारी दिया और छोड़ दिया, अब क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली बस्ट होते जाते हैं. ओके, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज चेन रिएक्शन. इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन में क्या होता है, एक चेन बनती जाती, एक रिएक्शन हुआ फिर उसी से दूसरा रिएक्शन हुआ फिर उसी से तीसरा फिर चौथा. दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ चेन रिएक्शन, जैसा कि क्रैकर्स में होता है. आपने उसको एक बार फायर करा और इट विल स्टार्ट क्रैकिंग. ओके, सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी कुछ इस तरह से ही चेन रिएक्शन हो रहा है. तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं किस तरह से होगा. दिस इज लेट से यूरेनियम 235. नाउ दिस यूरेनियम 235 इज हिट बाय अ सिंगल न्यूट्रॉन. एक सिंगल न्यूट्रॉन है जिसने इसको हिट करा कुछ इस तरह से आके. इट हिट्स दिस यूरेनियम 235. हिट करने से क्या हुआ, हिट करने से एक A1 बन गया, फिर एक A2 बन गया, प्लस तीन नए न्यूट्रॉन्स बाहर निकले और प्लस एनर्जी. तो कुछ इस तरह से रिएक्शन हुआ. आपने सबसे पहला जो न्यूट्रॉन छोड़ा उस न्यूट्रॉन ने एक एटम को हिट किया, एक न्यूक्लियस को हिट किया. उसके हिट करने से ये दोनों टू मीडियम साइज न्यूक्लियस निकले, प्लस तीन न्यूट्रॉन्स यहां से बाहर आए और एनर्जी निकली. नाउ अब इस एटम के आगे भी तो कोई एटम रखा होगा, तो क्या होगा, ये जो तीन न्यूट्रॉन है ये तीन अलग अलग नए
यूरेनियम 235 को हिट करेंगे। तो इनने हिट करा, इन तीनों ने। अब इनने जैसे ही तीन अलग यूरेनियम 235 को हिट करा, वापस से सेम रिएक्शन रिपीट हुई, इसमें से तीन नए न्यूट्रॉन्स निकले। इसमें से भी नए तीन न्यूट्रॉन्स निकले और इसमें से भी तीन नए न्यूट्रॉन्स निकले। प्लस तीनों में से एनर्जी भी निकली। इस तरह से तीनों में से एनर्जी भी रिलीज हुई और साथ में ये दो एटम्स भी रिलीज हुए, ये दो नए न्यूक्लियाई भी रिलीज हुए। तो इस तरह से क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन से तीन बने, इन तीन न्यूट्रॉन से वापस से तीन बने, इस वाले एक न्यूट्रॉन से वापस से तीन बने, इस वाले एक न्यूट्रॉन से वापस से तीन बने। अब ये जो नौ नए न्यूट्रॉन्स बने हैं, इन नौ नए न्यूट्रॉन से क्या होगा, वापस से तीन 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 बनेंगे। तो ये रिएक्शन कैसी चलती जा रही है, एक एक बना, एक से तीन, तीन से नौ, नौ से सत्ताईस, सत्ताईस से 81, 81 से 243 एंड इट विल गो टिल इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं हर बार तीन का मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है और हर बार जब भी न्यूक्लियर फिजन हो रहा है साथ में एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है। तो यहाँ से एनर्जी निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से, यहाँ से, फिर इनसे जो हिट हुए उनसे निकली। तो सोचिए अगर सिंगल सिंगल एटम से एनर्जी निकल रही है एंड दिस एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होती है इट इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक यूरेनियम के बस्ट होने से जो एनर्जी मिलती है दैट इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ऐसे बिलियंस ऑफ यूरेनियम एटम्स अगर हिट होंगे तो सोचिए कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सिर्फ एक बार न्यूट्रॉन फेंका था और बाकी सारा काम उसी न्यूट्रॉन ने कर दिया और आगे ये रिएक्शन चलती चली गई। हेंस दिस इज अ चेन रिएक्शन और वी विल से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दिस चेन रिएक्शन। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दिस चेन रिएक्शन। और ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं कि एक फिर तीन फिर नौ फिर सत्ताईस फिर 81 फिर 243, ये सीक्वेंस माइक्रोसेकेंड्स में अचीव हो जाती है। एक हिट हुआ फटाफट से तीन निकलेंगे, फिर फटाफट से हिट होंगे, फिर फटाफट से हिट होंगे और ये माइक्रोसेकेंड्स में ये सीक्वेंस इतनी कंप्लीट हो जाती है और ये आगे चलती जाती है। सो विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। सो ये जो हमने लिखा है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दिस चेन रिएक्शन, इसके आगे हम ऐड कर देते हैं इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पे क्या हुआ, हमने सबसे पहले सीखा था, सबसे पहले जब हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट किया था तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी सीखा था कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट शुड सप्लाई एनर्जी एट अ स्टडी रेट, इट शुड सप्लाई अ कॉन्स्टेंट एनर्जी एट अ स्टडी रेट, एक प्रॉपर रेट में सप्लाई करे। हमने कहा था कि आप बम फोड़ फोड़ के ट्रेन नहीं चला सकते लेकिन आप कोल डाल के ट्रेन चला सकते हो। तो कोल डाल के ट्रेन चला रहे हैं बिकॉज कोल इज सप्लाइंग एनर्जी एट अ स्टडी रेट। बट यहां पे हमने कहा कि माइक्रोसेकेंड्स में एनर्जी रिलीज हो जाती है, हेंस दिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी।
से हम ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं कर सकते। हाँ, फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस इट इज डिफरेंट, बट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो प्रैक्टिकली हमें एनर्जी सप्लाई करे। और हमारा प्रैक्टिकल यूज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो इस तरह की एनर्जी से तो हम कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज इंस्टेंटली सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। नाउ ये जो रिएक्शन हमने देखी, ये चली जा रही है, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आपने न्यूट्रॉन हिट करा दिया और आपने छोड़ दिया उसको, तो वो रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाएगी। सो वी विल से दिस रिएक्शन इज नोन एज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहेंगे, बिकॉज इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम इसे रोक नहीं सकते। एक बार हिट करा दिया, सो इट विल कंटिन्यू। तो इस तरह से न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन आप कैरी कर सकते हो। नाउ सबसे बड़ी बात क्या, जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में है, तो कितना ह्यूज है? सो वी विल से 1 kg यूरेनियम इज इक्विवेलेंट टू 2500 टन ऑफ कोल। 2500 टन कोल के बराबर होता है 1 kg यूरेनियम की एनर्जी। इतनी एनर्जी इस यूरेनियम में है। तो हम कहते हैं कि ये जो यूरेनियम से एनर्जी निकल रही है ये बहुत ह्यूज अमाउंट में, तो क्या हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? हम कहेंगे नो। फिर हमारे ये किस काम की? तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसे किसी यूजफुल पर्पस में लाया जाए, इसे कुछ ऐसा किया जाए जिसको हम प्रॉपरली यूज कर सके, इस एनर्जी को हम प्रॉपरली यूज कर सके। तो प्रॉपरली यूज करने के लिए बेसिक फंडा क्या है कि ये जो कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, ये जो चली जा रही है, इसे कंट्रोल किया जाए। अगर किसी प्रकार से हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, देन वी कैन प्रॉपरली यूज दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज इतने से यूरेनियम से इतनी एनर्जी, इट्स वेरी वेरी ह्यूज। सो साइंटिस्ट सेड कि इफ दिस रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, देन वी कैन यूज दिस एनर्जी फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। प्रैक्टिकल पर्पसेस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो फॉर दिस रिएक्शन टू बी कंट्रोल्ड, इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया जिसको नाम दिया न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डिवाइस वेयर न्यूक्लियर फिजन अकर्स इन कंट्रोल्ड मैनर। एक कंट्रोल्ड मैनर में न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन इसमें होता है। किस तरह से होता है, कैसे होता है, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये हमारे कोई खास काम का नहीं है। आप जस्ट मान लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे इसी रिएक्शन को कंट्रोल करके किया जाता है। ओके, सो कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, सो इट्स अ यूजफुल एनर्जी, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ आपको क्या लगता है, वॉट काइंड ऑफ एनर्जी इज दिस? इज इट अ रिन्यूएबल और इट इज अ नॉन रिन्यूएबल? सो हम कहेंगे दिस एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वाई? बिकॉज हमने अभी देखा 1 kg यूरेनियम ले लीजिए, इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो 1 kg यूरेनियम से, मतलब बहुत थोड़े अमाउंट ऑफ यूरेनियम से, आप बहुत ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अर्थ में टन्स ऑफ यूरेनियम एग्जिस्ट करता है, सो डोंट वरी अगर टन्स ऑफ यूरेनियम आपके पाँव के नीचे है, बिकॉज इट विल नॉट बस्ट, वहाँ पे एकदम से वो बस्ट नहीं होगा। ओके, सो उसमें तो सिर्फ रिएक्शन कराने पे ही वो बस्टिंग होगी, भले ही वो अनस्टेबल है। सो टन्स ऑफ एनर्जी यूरेनियम एग्जिस्ट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो टन्स ऑफ यूरेनियम है, इसमें से सिर्फ थोड़ा थोड़ा यूरेनियम हम निकालते जाएं तो हमारी एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो इसका मतलब दिस एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही कहेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो आप धीरे धीरे इसे यूज करते रहें,
इट्स अ काइंड ऑफ इनएग्जॉस्टिबल प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली कहें तो ये इनएग्जॉस्टिबल है, थ्योरेटिकली कहें तो ये एग्जॉस्टिबल है. सो इन एग्जाम इफ इट इज आस्क्ड कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसी एनर्जी है, सो यू विल से इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है और थोड़े थोड़े यूरेनियम से हमारा काम हो रहा है, इसलिए ये खत्म नहीं होने वाला. इट्स इनएग्जॉस्टिबल, आप इसे यूज कर सकते हो, लंबे समय तक यूज कर सकते हो. देन इज इट अ पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, वी विल से इट इज नॉट अ पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी. रीजन यह है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हमने देखी जिसमें बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे एलिमेंट्स निकल रहे हैं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन्स आर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, दिस इज टॉक्सिक वेस्ट, यह रेडियो एक्टिव वेस्ट है. रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब विल यूज द टर्म रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा वेस्ट विच इज प्रोड्यूसिंग रेडियो एक्टिविटी मतलब एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेस फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी. यह सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है. और क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, सो दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स. ओके, इससे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो सकती हैं जिसको हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. फॉर टाइम बीइंग जस्ट ये मान लेते हैं कि जो इसमें दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, यह आखिरी में बच रहा है, यह इसका वेस्ट बच रहा है. इस रिएक्शन में एनर्जी निकल गई, न्यूट्रॉन्स निकल गए, यही हमारे काम के हैं. और ये चीज क्या है, यह चीज कोई काम की नहीं, दिस इज टोटली वेस्ट. और ये जो वेस्ट है, दिस वेस्ट इज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर फिजन. वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियो एक्टिविटी और द hazards of this nuclear fission in the further classes. First you can note this. Okay, so now we will discuss about the nuclear fusion. Next topic is nuclear fusion. What exactly is meant by fusion? Fusion मतलब मिल जाना, ठीक है? Fusion means mix up हो जाना या combine हो जाना, that is known as fusion. So nuclear fusion means combining of two or more light atoms or nucleus or nuclei to form a bigger atom or nuclei or nucleus which is more टेबल. सो बुक की डेफिनेशन अगर हम कहें कि व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियर फ्यूजन, सो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब दो या दो से ज्यादा लाइट एटम्स या न्यूक्लेई जब कंबाइन होके एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं विच इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द लाइटर न्यूक्लियस, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्ले को देखा है, जो क्ले होती है, आप एक एक्सपेरिमेंट करें, आप क्ले की दो बॉल्स बनाएं एंड क्ले की दो बॉल्स को कुछ इस तरह से एक दूसरे के पास फेंकें, एक दूसरे की तरफ फेंकें. दो हाथ में मैंने दो क्ले की बॉल्स ली और इसको इस तरह से एक दूसरे के पास फेंका, तो यू विल फाइंड कि जब आप इन दोनों को एक दूसरे के पास फेंकेंगे और फेंकने के बाद जब ये कोलाइड होगी, सो दे विल बिकम वन बॉल. वह दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगी और एक सिंगल बॉल की तरह बिहेव करने लगेंगी. सो दिस इज नोन एज फ्यूजन. तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दो न्यूक्लियाई एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो प्रोसेस हमने देखी कि ये दो न्यूक्लियस मिक्स हुए
और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जो कि ज्यादा स्टेबल है। इसको हमने ज्यादा स्टेबल क्यों कहा? दिस इज द क्वेश्चन कि इसको स्टेबल क्यों कहा? बिकॉज आप ये जानते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के पास इस मैटर में, इस यूनिवर्स में जिस मैटर के पास एनर्जी ज्यादा होगी दैट विल बी अनस्टेबल। जैसे कि अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है सो यू विल बिकम रेस्टलेस, आपको लगेगा कि आप कुछ दौड़ो भागो या कुछ एक्टिविटी करो ताकि इस एनर्जी को रिलीज करें। ओके आप ग्लूकोज पी के एकदम से आप कहते हैं कि यू बिकम एनर्जाइज, नाउ यू कैन वर्क, अब आप काम कर सकते हैं। वाई? बिकॉज आपके पास एनर्जी आ गई है, आप अनस्टेबल हो गए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे दैट यू बिकम अनस्टेबल। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे क्या है, जो लाइटर न्यूक्लियाई जिनके पास एनर्जी ज्यादा है, जो ज्यादा एनर्जेटिक हो चुके हैं, वह एक दूसरे को हिट करते हैं और हिट करके एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं और एक ऐसा न्यूक्लियस बनाते हैं जिसका एनर्जी लेवल कम है। अब दो हैवी एनर्जी वाले न्यूक्लियस जब स्ट्राइक करेंगे तो एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा, दो लाइट न्यूक्लियस स्ट्राइक करने पे एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा एंड दैट हैवी न्यूक्लियस विल हैव लेस एनर्जी। तो इसका मतलब अगर इस तरह की रिएक्शन हो रही है जहां पे जो नया एलिमेंट बन रहा है उसकी एनर्जी कम है तो बाकी की एनर्जी गई कहां? वी विल से दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या हुआ, दो लाइट न्यूक्लियाई बहुत एनर्जेटिक एक दूसरे को आके स्ट्राइक कर गए। स्ट्राइक करने पे एक बड़ा न्यूक्लियाई बना जो कि कम एनर्जी वाला है, जिसका वेट ज्यादा है लेकिन एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो बाकी की एनर्जी गई कहां? वी विल से दैट इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। वह एनर्जी यूनिवर्स में रिलीज हो गई। इस तरह के फिनोमेना को हमने कहा न्यूक्लियर फिजन। इसका मतलब जब भी दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं उस वक्त एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज ह्यूज। सो वी विल से ह्यूज अमाउंट, और ह्यूज अमाउंट में यहां पे एनर्जी रिलीज होगी तो इस तरह की प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। तो फिर आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है, आप दो यूरेनियम लीजिए, दो यूरेनियम लेके हिट करा दीजिए एक दूसरे से, दे विल कंबाइन एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड। बट दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल केस। व्हाई? बिकॉज यूरेनियम के जो एटम्स हैं, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है इट इज वेरी हैवी न्यूक्लियस, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे मुझे लाइट न्यूक्लियाई चाहिए, लाइट न्यूक्लियाई की मदद से काम करना है। तो लाइट न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम, यह तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे हल्के हैं क्योंकि यहां से ही पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन से हल्का तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। हाइड्रोजन से थोड़ा जो वेट ज्यादा होगा दैट इज हीलियम, और थोड़ा और वेट ज्यादा दैट इज लिथियम। इन तीन के अलावा और भी कोई भी पॉसिबल एलिमेंट कम वेट का नहीं होता। तो इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। अभी हमने कहा था व्हाट आर आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो तीन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, दे आर दिस H11, H21 एंड H31। दिस इज नॉर्मल हाइड्रोजन, दिस इज ड्यूटीरियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम एंड दिस इज ट्राइटियम। H11 इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, H21 इज अगेन आइसोटोप विच इज नोन एज ड्यूटीरियम, और थर्ड वन इज H31 विच इज ट्राइटियम। तो इसके एटम को हम ड्यूटीरियम और ट्राइटियम बोलते हैं और इनके न्यूक्लियस को हम ड्यूट्रॉन एंड ट्राइट्रॉन, ओके ट्राइटॉन और ड्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, ट्राइटॉन एंड दिस ड्यूट्रॉन। यह दो अलग अलग आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के विच बेसिकली कैरी द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है वह इन दो आइसोटोप्स की वजह से होती है मेनली। नाउ अब हमने कहा कि ठीक है फिर क्या प्रॉब्लम है, आप दो हाइड्रोजन लीजिए, स्ट्राइक करा दीजिए एंड न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन हुआ तो एनर्जी मिल जाएगी।
बट दिस इज नॉट द केस. अगेन दिस इज नॉट द केस. वाई? बिकॉज फ्यूजन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, का मतलब मिलियंस ऑफ डिग्रीज. एंड हाई प्रेशर, का अगेन मतलब मिलियंस ऑफ पास्कल्स. हाई टेम्परेचर का मतलब, हाई टेम्परेचर मीन्स नॉट 1000 डिग्री और 2000 और 3000 डिग्री, इट मीन्स 1 करोड़ डिग्री. 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर फ्यूजन करने के लिए चाहिए रहता है. 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर अर्थ पे बनाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बहुत कठिन काम है कि आप 10 to the power ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो चाहिए रहता है दैट इज 10 to the power 7 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग इतना टेम्परेचर चाहिए रहता है, इससे ज़्यादा भी चाहिए रहता है कभी कभी. एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रेशर, तो प्रेशर इज अगेन ऑलमोस्ट 10 to the power 5 पास्कल्स, नॉट 10 to the power 5, 10 to the power 5 एटमॉस्फेयर्स, 10 to the power 5 एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर यहां पे चाहिए होता है. 10 to the power 5 एटमॉस्फेयर मीन्स मिलियंस ऑफ पास्कल्स. सो इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे इस तरह के फ्यूजन की प्रोसेस होती है. एंड दिस फ्यूजन प्रोसेस जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इस प्रोसेस को अगर हम देखें, सो दिस प्रोसेस, दिस फ्यूजन प्रोसेस इज, वी विल से फ्यूजन प्रोसेस इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी. जो हम कहते हैं कि हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, जो सन से मिल रही है सोलर एनर्जी, इट इज इनएग्जॉस्टेबल, वो खत्म नहीं होगी. तो सन के पास वो एनर्जी आ कहां से रही है? सन के पास वो एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फ्यूजन. यह न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सन के पास एनर्जी आती है. नाउ अभी सन के पास जो एनर्जी आ रही है न्यूक्लियर फ्यूजन से, ये किस तरह से आ रही है? क्या ये कभी खत्म होगी? क्या ये कभी खत्म नहीं होगी? सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन सन, अगर हम देखें न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन सन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन सन में तीन तरह की रिएक्शन हमें सन पे देखने को मिल सकती है. द फर्स्ट वन इज व्हेन फर्स्ट रिएक्शन इज दो ड्यूटीरियम या दो ड्यूट्रॉन कंबाइन होंगे, दो ड्यूट्रॉन कंबाइन होके एक ट्राइटियम या ट्राइट्रॉन देंगे और एक हाइड्रोजन देंगे प्लस बहुत सारी एनर्जीज. या फिर यह रिएक्शन कुछ इस तरह से भी हो सकती है. दो अगेन वही ड्यूटीरियम कंबाइन होके क्या देंगे? एक हीलियम एटम, एक हीलियम का न्यूक्लियाई प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस एक एनर्जी और यह एनर्जी कोई छोटे अमाउंट की नहीं होती. दिस अमाउंट, दिस एनर्जी इज ऑफ ह्यूज अमाउंट. यह एनर्जी लगभग एक एनर्जी इस रिएक्शन से निकलने वाली इज इक्वल टू दिस डेल्टा इज
अराउंड 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है दैट इज अराउंड 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी हमने देखा था, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इलेक्ट्रॉन जूल्स। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल्स की एनर्जी इंटू 4.2 विल बी द टोटल एनर्जी जो कि इस रिएक्शन से निकलती है। तो आप सोचिए कि सन कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, सन कितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, उसके पास कितने सारे हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम के, ट्राइटॉन के मॉलिक्यूल्स, एटम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ दो ड्यूटेरियम रिएक्ट करते हैं, फ्यूज होते हैं, कैसे, बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई प्रेशर है, तो वह एक दूसरे पे आके स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं और इंटरमिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होके क्या होता है, कंबाइन होके इतनी फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां से निकलती है, 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एक रिएक्शन से निकल रही है, और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रिएक्शंस सन पे कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं। सेम अगर वो कंबाइन होते हैं तो हो सकता है इस तरह से हीलियम और न्यूट्रॉन फॉर्म कर दें, तो इस केस में भी आप देखेंगे तो एनर्जी इज 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मींस ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ऐसे अगेन बिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं। तो बिलियंस ऑफ रिएक्शंस अगर इस तरह से कैरी आउट होंगे तो अलग अलग तरह से अलग अलग फॉर्म में एनर्जी और बाय प्रोडक्ट्स यहां पे निकलते हुए दिखाई देंगे इन द न्यूक्लियर फ्यूजन। सेकेंड चीज क्या हो सकती है, सेकेंड चीज हो सकती है कि हीलियम जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन होके दे विल गिव दिस, दिस इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन, लेट अस राइट इट प्रॉपरली। इस तरह की रिएक्शन में दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, एंड द थर्ड रिएक्शन विल बी H11 प्लस H11 गिविंग H21 प्लस E01 प्लस V प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। सो इन दिस रिएक्शन दो हाइड्रोजन कंबाइन होके एक ड्यूटेरियम देते हैं प्लस एक एलिमेंट देते हैं, सॉरी एक पार्टिकल देते हैं E01। E01 स्टैंड्स फॉर पॉजिट्रॉन, इसको हम नाम देते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मींस एन इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। यह क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जितना होता है प्लस साथ में एक पॉजिटिव, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, न्यूट्रॉन जितना ही, प्रोटॉन जितना ही पॉजिटिव चार्ज ये कैरी करता है। देन दिस सिंबल, दिस वी, इट स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिनो, इट स्टैंड फॉर न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इज अगेन अ सब एटॉमिक पार्टिकल प्लस अ लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ हीट एनर्जी। दिस डेल्टा, इन दिस केस डेल्टा इज अराउंड 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज्यादा एनर्जी यहां से रिलीज होती है। नाउ द स्पेशलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, इसकी खास बात देखते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे सो यू विल फाइंड कि एक ड्यूटेरियम दूसरे ड्यूटेरियम से कंबाइन होकर एक ट्राइटियम और एक हाइड्रोजन देता है और एनर्जी रिलीज करता है। दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक ड्यूटेरियम देते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर यहां से जो ड्यूटेरियम निकला, ये रिएक्शन चार हाइड्रोजन्स के बीच में हुई, यहां पे दो, फिर से दो, और उनसे रिएक्शन करके वापस से यह मिला। और इस तरह से क्या हो रहा है, जो आपका यहां पे रिएक्टेंट है, यहां पे यह रिएक्टेंट है, ओके, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट हैज बिकम रिएक्टेंट एट दिस पोजीशन, यहां पे यह प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट बन गया। तो इस तरह से अगेन दिस रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन और ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है।
सो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन. जो हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है वह एनर्जी इस वजह से ऑब्टेन होती है. सो दिस इज व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन. वी विल डिस्कस सम लिटिल मोर पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. फर्स्ट यू कैन नोट दिस.